दोस्तों आपका स्वागत है ठाकुर ब्लॉग्स में। 2010 के बाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अचानक से दोस्तों बदलाव होना शुरू हो गया, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, फैशन हो या रिटेल सेक्टर हो। यह वही समय था जब हम दोस्तों ग्लोबल हो रहे थे। इसका मुख्य कारण था भारत युवाओं का देश बन चुका था। युवा जागरूक हो रहे थे अपने कैरियर को लेकर, अपने लुक्स को लेकर और साथ ही साथ अपने हेल्थ को लेकर भी। यह वही समय था जब पारंपरिक व्यायाम और कुश्ती से लोग बाहर निकलकर जिम की तरफ बढ़ रहे थे और देखते ही देखते जिम व्यवसाय से निकलकर छोटे छोटे शहरों तक फैल गया। चलिए आज दोस्तों हम एक जिम की सैर पर चलते हैं। दोस्तों मैं अब जिम के लोकेशन के बारे में बता देता हूँ। ये जिम रिलायंस फ्रेश मोराबादी के ठीक अपोजिट वाले कॉम्प्लेक्स में स्थित है और इनका जिम फर्स्ट और सेकंड फ्लोर दोनों में बटा हुआ है। आगे ब्लॉग में बने रहिए और आप लोग देखिए कैसा है जिम। आज दोस्तों हम लोग मोराबादी के जिम में आए हुए हैं, जो यूथ का सबसे फेवरेट प्लेस होता है और सभी यहाँ बॉडी फिटनेस के लिए आते हैं और आपको भी लेते चलते हैं अंदर और उठाते हैं जिम का नज़ारा और ओनर से भी मिलवाते हैं आपको। आइए दोस्तों अब जिम के ओनर से जानते हैं यहाँ पर जिम में किस किस तरह का एक्टिविटी कराया जाता है। मेरे यहाँ वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग दोनों तरह कराया जाता है। यहाँ योगा, जुम्बा, एरोबिक भी उसके भी क्लास होते हैं। और सर यहाँ पर किस एज ग्रुप के आते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए, फिटनेस के लिए? 18 इयर्स से लेकर 13 इयर्स के बीच। यहाँ पर दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं कि 18 इयर्स से 30 ईयर के बीच यहाँ पर लोग आते हैं ज़्यादा करने के लिए। अब सर से पूछते हैं कि यहाँ पर फीमेल ज़्यादा आते हैं कि मेल ज़्यादा आते हैं? फीमेल मेल लगभग दोनों बराबर हैं। यहाँ पर फीमेल या मेल दोनों ही बराबर आते हैं जैसा आपने सुना सर ने कहा। ये जिम दोस्तों दो फ्लोर में है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी हम लोग नीचे वाले फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर में आ गए हैं। आइए दोस्तों अब जिम के ट्रेनर श्री नीतीश रंजन से जानते हैं कि जिम के एक्टिविटी के बारे में और यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स है सारे मशीन के बारे में उनसे जानते हैं। हाय, मैं नीतीश रंजन यहाँ का ट्रेनर हूँ। मैं आइए आपको सारे मशीन्स के बारे में बताता हूँ। एक्सरसाइजेस सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, ये अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं जो एक्सरसाइज करना है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर सारा एक्सरसाइजेस लिखा है, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए यहाँ से भी देख के कर सकते हैं। यहाँ पे सारा ये है, उसके बाद और भी सारे मशीन्स हैं, सारे बॉडी पार्ट के अलग अलग हैं। अच्छा, अभी मशीन्स के ये हो रहा है थोड़ा सा, अगर कुछ ये होता है। ये हम लोग के बैक के लिए मशीन्स है, इसको यहाँ पे हम लोग ऐसे पकड़ के आराम से बैठ सकते हैं एडजस्ट करके। ये हम लोग ये कर सकते हैं बैक के लिए, ये वाला।
ठीक है, लैट पुल डाउन बोलते हैं इसको। फिर इसी में एडजस्ट हम लोग बैक ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी सेट करके, ये भी बैक का ही है इजी, ये इसको हम लोग सीटेड रोइंग बोलते हैं। इसके बाद हम लोग के बगल में मशीन है, ये इसको चेस्ट की एक्सरसाइज है, इस पर भी हम लोग बैठ के ये कर सकते हैं, बैक फ्लाई बोलते हैं इसको। मशीन इस तरह से ऑपरेट करता है ये, ठीक है। ये हम लोग के चेस्ट के वाइडनेस के लिए, ये भी हम लोग के चेस्ट के लिए है, इसको इस तरह से ऑपरेट किया जाता है। वैसे बैठ सकते हैं इस पर, आराम से एडजस्ट करके चेस्ट टाइट करके ये प्रेस कर सकते हैं, ये ना अभी कर सकते हैं उसको यूज ना। ये हम लोग के शोल्डर्स के लिए है, इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं नीचे से, चेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। इसको हम लोग को इस तरह से बैठ के जस्ट यहाँ पकड़ के आपको लिफ्ट करना ऊपर ये नीचे, हम लोग के शोल्डर्स के लिए। और जो बिगनर होते हैं उनके लिए सपोर्टेड वाला है, आराम से आप लॉक करके कर सकते हैं। इसमें हम लोग डेड लिफ्ट करते हैं और भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, हम लोग का अलग से सेट है, सेटअप है। यहाँ पर दोस्तों ये लॉकर रूम है, यहाँ पर आप ड्रेस अपना चेंज कर सकते हैं और अपना सूज अपना यहाँ से पहन सकते हैं। जिम के डेटा में आप बेसिकली यहाँ पर रेडी हो सकते हैं, उसके बाद अपना एक्सरसाइज आप शुरू कर सकते हैं। आइए दोस्तों जिम के ट्रेनर से जानते हैं कि अभी सबसे ज़्यादा यूथ का कितना क्रेज़ है बॉडी फिटनेस को लेकर के। जैसा कि आजकल ट्रेंड है अच्छा दिखना और ये, तो हमें अपने बॉडी को मेंटेन करके रखना चाहिए, और आजकल यही ट्रेंड चल रहा है कि हम लोग को फिट रहना चाहिए। और हम लोग को ट्रेंड छोड़िए, आजकल बीमारियां भी इतना बढ़ गई है कि हमें अपने आप को स्वस्थ रखने पे ध्यान देना चाहिए। आजकल के ट्रेंड में है कि आप फिट दिखें, फिट रहें, स्मार्ट दिखें, ये सब बहुत चलता है। ये सब बॉलीवुड मूवीज़ हो गया और आजकल ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम हो गया, वहाँ पे जितने अच्छे दिखेंगे उतना ज़्यादा आपका पॉपुलैरिटी होगा। ये सब को ध्यान रखते हुए आजकल जिम का बहुत डिमांड हो गया है, और अच्छी बात है, अपने आप को फिट रखना बहुत अच्छी बात है। इसको इस तरह से समझिए कि फ़िटनेस को पुश मिल रहा है इस तरह से, तो हमें हर चीज़ की तरफ से पॉजिटिव फीडबैक है कि जिम हमें करना ही चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो जिम में आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, उनसे अब जानते हैं कि जब वो जिम ज्वाइन नहीं किए थे उसमें और अभी जब ज्वाइन कर लिए हैं जिम, उसके बाद बॉडी फिटनेस में क्या अंतर आया है। जिम ज्वाइन करने से पहले मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, अप्रोक्स हम यहाँ आने पर 20 kg लूज़ किए हैं। तो इससे पहले हम 2-4 जिम चेंज कर चुके हैं, बट जो यहाँ का रिजल्ट है वो कहीं का नहीं। यहाँ का जिम ट्रेनर लोग बहुत अच्छे हैं, विकास बाहुबली यहाँ के फिटनेस ट्रेनर हैं, उन्होंने मेरा वेट ट्रेनिंग में, वेट लूज में मेरा हेल्प किया है, और बाकी ट्रेनर्स भी काफ़ी पोलाइट हैं यहाँ के। तो मेरा तो बेस्ट रिकमेंडेशन है इस जिम के लिए। थैंक यू भैया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे साथ जिम के बारे में। अब दोस्तों जिम के ट्रेनर से जानते हैं कि जिम ज्वाइन करने के बाद उनका डाइट चार्ट में क्या चेंजेस आता है, क्या उन्हें रूटीन फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे जब जो कोई जिम ज्वाइन करते हैं तो मेन पर्पस दो ही होता है, या तो वो वज़न घटाना चाहते हैं, या तो अगर वो बहुत लीन है तो वज़न बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें दो तरह से हम लोग डाइट को डील करते हैं, एक होता है जिनका गोल होता है वेट बढ़ाना, उनको बल्किंग वाला हम लोग ये देते हैं डाइट, जिससे हम लोग वज़न गेन हो पाए। और कुछ लोग होते हैं जो पतला होना चाहते हैं, उनको उस हिसाब से हम लोग डाइट एडजस्ट करके देते हैं कि उनका वज़न लॉस हो। यही दो तरह से हम लोग वर्क करते हैं। आइए दोस्तों अभी एक भैया से जानते हैं कि अभी वो किस टाइप का एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम में। हेलो भाई, तो अभी तो फ़िलहाल मेरा सर्किट ट्रेनिंग चल रहा है जिसको वेट लॉस में यूज़ करते हैं। उसमें होता क्या है, सर्किट ट्रेनिंग में कार्डियो और स्ट्रेंथ को कंबाइन करके एक्सरसाइज करवाते हैं, तो सेट में रहता है, तो 3-3, 4-4 सेट का एक्सरसाइज रहता है, तो उसको बिना रुके करना रहता है। तो अभी तो बस ये वार्म अप के लिए यूज़ कर रहा हूँ, फिर ऊपर जाऊँगा स्ट्रेंथ वाले सेक्शन में, और फिर वहाँ पर पीटी लिया हुआ है, तो वहाँ पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। अभी तो अभी मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था, अभी 1-1.5 महीना हुआ जिम में, तो 117 से स्टार्ट किया था, अभी 109 पे हूँ। ऐसे ही चलेगा अभी जर्नी, अभी लगता 5-6 महीना ऐसे ही चलेगा सर्किट ट्रेनिंग, उसके बाद फिर प्योर स्ट्रेंथ, उसके बाद फिर 6 महीने बाद स्ट्रेंथ स्टार्ट होगा सर। थैंक यू सो मच भैया अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के। आइए दोस्तों हमारे साथ जिम में एक भैया हैं, उनसे जानते हैं कि जिम ज्वाइन करने के पहले और जिम ज्वाइन करने के बाद क्या फिजिक में चेंजेस आया है।
नमस्कार, पहले तो शुक्रिया था कि आपने यहाँ विज़िट किया। तो यहाँ पे हम फ़िलहाल करीब 6 या 7 महीने पहले ज्वाइन किए थे। स्टार्टिंग में क्या होता था कि जैसे कार्डियो वगैरह का भैया लोग ने गाइड किया था कि कार्डियो से स्टार्ट किया जाता है आप, क्योंकि कार्डियो आपका बेसिक एक्सरसाइज होता है जिसमें आपका ट्रेडमिल हो गया या बेसिक जिसमें आपका हैंड मूवमेंट, पैर के मूवमेंट सब कुछ सिखाते थे भैया। तो उसमें हम लोग ट्रेडमिल करते थे और ट्रेडमिल के अलावा साइकिलिंग था और बाकी चीज़ था। तो स्टार्टिंग में हमें स्ट्रेंथ बिल्डिंग करना रहता है, तो उसके लिए हम लोग ने अपना स्ट्रेंथ बिल्डिंग किया और जब स्ट्रेंथ बिल्डिंग वाला कंप्लीट हुआ तब जाके हमने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट किया। तो फिलहाल मैं बता सकता हूँ जब स्टार्टिंग ज्वाइन किया था तो करीब मेरे 5 से 6 kg बढ़े हुए थे और चेहरा भी ऐसा था कि काफ़ी मोटा दिखता था, फिजिक भी ऐसा था कि मतलब खुद में कॉन्फिडेंस नहीं लगता अगर आपका शरीर सही नहीं रहता है। बट धीरे धीरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम अपना थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दें। आजकल के यूथ वगैरह भी देख रहे होगे आप, हर जगह देख रहे होगे कि उन्हीं का थोड़ा सा वो हाईलाइट होते हैं जिनका फिजिक अच्छा है। जैसे आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि मतलब जो मैरिज हुआ अभी रिसेंटली अंबानी परिवार में, तो बॉडी शेमिंग का कल्चर बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है। तो अगर आप अपना हेल्थ बिल्डिंग पहले से ही करोगे तो ये सब चीज़ों से आप बचोगे। आई नो लाइक बहुत सारे परिवार हैं वो लोग के में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, बट आप अपना हेल्थ इश्यूज़ को रेक्टिफाई कर सकते हो अगर आप रेगुलर मतलब एक्सरसाइज करोगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ और सारे यूथ को भी बोलना चाहता हूँ कि आप किसी तरह से भी, ऐसा नहीं कि जिम से ही आप कर सकते हो, बाकी भी आप एडिशनल कुछ भी एक्सरसाइज पर डे करो और अगर रेगुलर बेसिस में करोगे तो ऑलरेडी ये मतलब आप निश्चित करोगे कि आपका बॉडी जो है वो करेक्ट शेप में रहेगा और सब चीज़ें में हेल्प करेगा आपको। थैंक यू सो मच भैया अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए दोस्तों भैया से पूरा ट्रेडमिल का फंक्शन जानते हैं, वो कैसे वर्क करता है ट्रेडमिल। हाँ शुक्रिया। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि जैसे कार्डियो आप जब भी स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप कार्डियो का ट्रेडमिल से ही चालू होता है, जैसे ट्रेडमिल हो गया, साइकिलिंग हो गया, अलग अलग तरह से आप कार्डियो का एक्सरसाइज करते हो। तो मेनली इसमें ये रखना रहता है कि आप पहले इस डिवाइस के बारे में बताते हैं, उसके बाद कार्डियो का भी हेल्प आपको हम बता देंगे। तो यहाँ पे ये जो डिवाइस आप देख पा रहे हो इस चीज़ को, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले ये स्टार्ट का आपका ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। तो आप जैसे इसमें स्टार्ट दबाओगे तो सबसे पहले वो स्टार्ट होगा, 3 सेकंड आपका लेगा, आपको एक इंडिकेशन देगा कि आपका डिवाइस स्टार्ट हो चुका है। इस डिवाइस को स्टार्ट होने के बाद आपका यहाँ पे आप स्पीड देख सकते हो, आप कितनी एंगल पे इंक्लिनेशन है वो देख सकते हो और बाकी आपका कैलोरीज कितने बर्न हो रहे हैं वो भी आप देख सकते हो। आपका टाइम बता देगा और इसमें हार्ट बीट आपका कितना रेट में हर्ट पर मिनट बीट हो रहा है ये चीज़ बता देगा। तो सबसे पहले जैसे आप स्टार्ट किए हो उसके बाद आपका धीरे धीरे क्या आप 0 मतलब 1.0 के स्पीड पे करोगे तो उस पे आपका उतना फंक्शन नहीं करेगा, बिकॉज कार्डियो बेसिकली रिलेटेड आपका हर्ट से, आपको हर्ट बीट्स जितने बढ़ेंगे उतना पंपिंग होगा, बॉडी की कैलोरीज बर्न होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जैसे स्पीड प्लस का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, आप स्पीड बढ़ाओगे प्लस प्लस करते जाओगे तो इसमें आप देख सकते होगे कि स्टार्टिंग में जैसे 1.0 था अभी 2.0 हुआ। तो ऐसे करके अकॉर्डिंग टू आपके जितने बॉडी में मतलब आप कर सकते हो उतना ही बढ़ाना चाहिए। रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा कि हाँ बहुत लोग फैशन ऐसा कर लिए कि दूसरे को कॉपी करके अपना स्पीड बढ़ाने से प्रॉब्लम भी हो सकता है उनके हेल्थ में। तो बेस्ड ऑन उनका हेल्थ, उनका बॉडी, वो आप अपना स्पीड देखो उसमें। फिर आपका 2.0 किलोमीटर पर आवर आप स्पीड देख सकते हो, आपका किलोमीटर रीडिंग दे रहा है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एक और फंक्शनैलिटी दिया है इसमें, इंक्लिनेशन। तो आप जितना इंक्लाइन करोगे बॉडी का स्ट्रेंथ उस पर बहुत सारा डिपेंड करेगा। तो अभी हम पहले स्पीड थोड़ा डिक्रीज कर देते हैं जिससे हम आपको शोकेस कर पाएँ कि कितना आप एंगल बना सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 3, तो 3 दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है, 12, 15 अलग अलग आपके एंगल्स दिए हुए। तो आप पहले क्या करोगे, जैसे 3 है तो आपने 3 दबाया, 3 दबाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्लाइन प्लस एंटर रीसेट और इंक्लाइन माइनस, तो आप एंटर दबा दिए। एंटर दबाने के बाद आप देख सकते हो इसके रीडिंग 3 पे चेंज हो गया है। तो आप धीरे धीरे देखोगे आपका जो ट्रेडमिल है वो 3 जो एंगल है 3% इंक्लिनेशन उसके बेसिस में चेंज होगा। और जैसे आपने 6 दबाया तो
6 पे इंक्लाइन हो जाएगा, और इंक्लाइन होने के बाद आप एंटर दबाओगे तो वो जो ट्रेडमिल है उसका एंगल चेंज होता जाएगा, और जैसे आपका हो गया, आपने अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, फिर आपके पास एक रीसेट फंक्शनैलिटी दिया होगा, आप रीसेट फंक्शनैलिटी पे क्लिक जैसे करोगे और एंटर दबा दोगे, वो धीरे धीरे आपका पुराना जो नॉर्मल पोजीशन है उस पे चला जाएगा। तो हम लोग को कार्डियो अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो वो हेल्थ मेनली आपके हार्ट का मतलब बोल सकते हो, हार्ट जो है आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। आज दोस्तों मैंने ट्राई किया है ट्रेडमिल, आप जैसा देख पा रहे हैं। ये दोस्तों आप कुछ फीमेल से भी जानते हैं कि उन्हें जिम ज्वाइन करने के बाद बॉडी में क्या डिफरेंसेस आया है, क्या उनका वेट कितना लेस हुआ है। जी मैंने 2.5 महीने से जिम ज्वाइन किया है और मेरा वेट लॉस हुआ है 6 kg, एंड मेरी एक ट्रेनर हैं रितिका मैम, वो मुझ पर ध्यान देती है। थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे साथ। अब दोस्तों जिम के ओनर से जानते हैं कि जिम में क्या चार्जेस है मेल और फीमेल का, और जिम का टाइमिंग क्या है। जिम का टाइमिंग है 5:30 मॉर्निंग खुल जाती है जिम, और 9:30 नाइट क्लोज होती है, फुल टाइम जिम खुली रहती है। पर मंथ इसका चार्ज है 1500 rupees, यूनिसेक्स है, चार्ज दोनों का समान है, और 3 मंथ का चार्ज है 4000, 6 मंथ का 7000, और 1 ईयर्स का 11500, और अगर पीटी लेते हैं पर्सनल ट्रेनर तो उसका 5500 पर मंथ चार्ज है। थैंक यू भैया जिम के बारे में बताने के लिए। दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।